हरियाणा में आपका स्वागत है। आपके साथ में हूं वंदना सोही। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अंबाला से बड़ी खबर के साथ, जहां राजस्थान सरकार पर अनिल विज ने हमला किया है। शहीदों की विधवाओं पर दिए बयान को लेकर उन्होंने हमला किया, कहा कि कांग्रेस को पढ़ाया जाता है कि शहीदों का अपमान करो। गृहमंत्री अनिल विज ने केजरीवाल पर भी हमला बोला, कहा कर्नाटक चुनाव को लेकर केजरीवाल की हैसियत अब लोग जान चुके हैं। सीबीआई को दबाने की कोशिश की जा रही है, सीबीआई पर दबाव बनाने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। राजस्थान सरकार को भी उन्होंने आड़े हाथों लिया, साथ ही साथ आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज ने हमला किया और कहा कि कांग्रेस को पढ़ाया जाता है कि शहीदों का अपमान करो। वहीं विपक्ष के नेताओं की ओर से सिसोदिया की गिरफ्तारी को लेकर पीएम मोदी को जो चिट्ठी लिखी गई उस पर भी अनिल विज ने तंज कसा, कहा कि ये सब सीबीआई पर दबाव बनाने की कोशिश है। यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि कर्नाटक में अरविंद केजरीवाल की ओर से वोट के लिए प्रलोभन दिए जा रहे हैं। वहीं केजरीवाल की हैसियत अब लोग जान चुके हैं, किसी भी तरह से लोग इनकी बातों में आने वाले नहीं है। कि शहीदों का अपमान करो, जो सैनिक सेना पर डटे हुए हैं, जो इतने इतने माइनस टेम्परेचर में काम कर रहे हैं, उनको अपमानित करो। अगर वो कोई सफलता हासिल करते हैं तो उसको प्रश्न चिन्ह लगाओ, उसको उनकी जो ब्रेवरी है, उनकी जो बहादुरता है, जो उन्होंने सर धड़ की बाजी लगाकर काम किया है, उसके लिए सबूत मांगो। कांग्रेस तो अब का तो किरदार यही है, ये तरह तरह के तरीके अपना रहे हैं सीबीआई पर दबाव डालने के। सीबीआई पर किसी तरह से दबाव डाला जाए, कभी जुलूस निकालते हैं, कभी धरने देते हैं, कभी नारे देते हैं। अब सीबीआई तो किसी से डरने वाली है नहीं, सीबीआई देश की सर्वोच्च इन्वेस्टिगेटिंग संस्था है। ये सारे उस पर दबाव डालने के हथकंडे हैं कि किसी तरह से सीबीआई दब जाए, केस को खत्म कर दे और हम बाहर आ जाए।